हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की, उसमें ये हमारा फोर्थ पार्ट है, यानी डे फोर है। इसमें हम फोर्थ स्टेट डिस्कस करेंगे। भारत में टोटल 28 स्टेट है वर्तमान के अंदर, और हम डेली एक स्टेट की जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जीके के अंदर। अभी तक हमने मणिपुर, मध्य प्रदेश और केरल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे पश्चिम बंगाल की सारी डिटेल, वेस्ट बंगाल की सारी डिटेल। ऑलरेडी मैंने जीके में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, इनके साथ साथ अब वो सारे के सारे पार्ट जरूर सुनना, क्योंकि मैक्सिमम 10-10 मिनट की वीडियो है। अगर आप दो गुना स्पीड करके, क्योंकि आपने पहले सुन रखी है, दो गुना स्पीड करके भी सुनोगे तो भी आपके जीके में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये भी जरूरी है, हमें हर साइड से जीके कवर करनी है, इसलिए ये सीरीज जो है वो आपके लिए शुरू की गई है, ये आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? जैसे कि हर स्टेट की हम कैपिटल करते हैं, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। मणिपुर हमने किया था, मणिपुर की कैपिटल क्या थी? इंफॉल थी। फिर हमने किया था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। फिर हमने किया था केरल, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ये वीडियो मैं बना रही हूँ 4 मार्च 2020 को। इन फ्यूचर अगर सीएम, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो उस टाइम का सीएम और गवर्नर आप जरूर चेक कर लेना। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एग्जिट रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, एज इट इज वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में सीएम कौन है? ममता बनर्जी है, आपको ध्यान रखना है। हर स्टेट का सीएम गवर्नर आपको याद होना चाहिए। मणिपुर के सीएम कौन थे? एन बीरेन सिंह। मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? कमलनाथ थे, और उसके कमलनाथ हैं। और उसके बाद हमने किया था हमारा केरल, केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। हमें हर हर स्टेट का सीएम याद होना चाहिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। उसके बाद है गवर्नर, यानी पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल ये नहीं है, मैं बार बार नोट्स नहीं बना सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कटिंग नहीं करी है। मैं आपको बता देती हूँ, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो है वो पश्चिम बंगाल के वर्तमान के अंदर गवर्नर है, ये आपको ध्यान रखना है, आप अपने नोट्स बना लेना। मणिपुर के जो सीएम थे वो एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन थी मणिपुर के? नजमा हेपतुल्ला। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे? लालजी टंडन। और केरल के गवर्नर कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। और पश्चिम बंगाल के कौन है? जगदीप धनखड़। सभी स्टेट मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए, आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सारी जीके आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ओके। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 23 डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे लोकसभा सीटें कितनी है? 42 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 16 है, ओके। मैंने आपको कराया हुआ है कि संसद के सदन पूछे तो दो होते हैं और अंग पूछे तो तीन होते हैं, राष्ट्रपति भी इंक्लूड हो जाता है। लोकसभा की वर्तमान में टोटल कितनी सीटें हैं? 545 है। और राज्यसभा की कितनी है? 245 है। इस 545 में से 42 बंदे कहाँ से आते हैं? पश्चिम बंगाल से आते हैं। और 245 में से 16 बंदे कहाँ से आते हैं? पश्चिम बंगाल से आते हैं, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट है। सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है यहाँ की? कोलकाता है। और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना। बना कब था ये पश्चिम बंगाल? 26 जनवरी 1950 को बना था पश्चिम बंगाल। किसी भी इंफॉर्मेशन में कोई भी डाउट लगे तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ओके। नेक्स्ट है बॉर्डर टच फ्रॉम स्टेट, यानी पश्चिम बंगाल जो है वो कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? तो 5 स्टेट से करता है। और कंट्री पूछे तो 3 कंट्री से ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। आपको जो याद रखना है वो सिर्फ मणिपुर का याद रखना है। मणिपुर का जो बॉर्डर है वो किस कंट्री से लगता है? तो वो म्यांमार से लगता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जहाँ जितनी चीज़ें जरूरी है मैं उतनी चीज़ें आपको जरूर बताऊंगी, जितनी चीज़ें बता रही हूँ उतनी आपने जरूर कवर करनी है, ओके। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वाले तीनों स्टेट आप जरूर देख लेना, उसकी जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है स्टैटिक जीके के नाम से, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से है यहां पे? तो अभी तक मैंने कौन कौन से नेशनल पार्क आपको करा दिए? पूरे विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? काइबू लैमजो नेशनल पार्क, जो कहाँ था? मणिपुर में था, ठीक है। उसके बाद हमने किया था मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क बांधव माधव काना पन्ना फोजिल सतपुड़ा पैंचोर वन विहार, ये सारे के सारे मैंने आपको याद कराए हैं। जो रेगुलर मेरी वीडियो सुनेगा उनको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क है? यहाँ पे है बुक्सा नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क है बुक्सा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, कल हमने किया था साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल
नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो केरल के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। पिन वैली नेशनल पार्क आगे हम कवर करेंगे, हिमाचल प्रदेश में होगा। वैली ऑफ फ्लोवर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और न्योरा वैली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। सिंगलीला नेशनल पार्क भी यहीं पर है। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। जल्दापारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे 6 नेशनल पार्क है, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। बुक्सा नेशनल पार्क, न्योरा वैली, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन, जल्दापारा और गोरुमारा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, मैंने यहाँ आपके लिए मेहनत करी है। ये आप लोग बस इस मेहनत से कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लो, बस मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाएगा। बस आप लोगों को तैयारी जरूर करनी है, ओके। उसके बाद है वन्य जीव अभयारण्य। पहले नेशनल पार्क याद करनी है, नेशनल पार्क याद होने के बाद वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने याद करनी है, ओके। तो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? लोथियान आइलैंड यानी लोथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है सजना खाली, ये सजना खाली है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। रामन बगान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हलिद्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद है संचिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रश्क बिल बर्ड सेंचुरी। मुश्किल है, एक बार में याद नहीं होगा। पहले नेशनल पार्क याद करिए, उसके बाद सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद करनी है, ठीक है। यहाँ का फेमस डांस कौन सा है? जात्रा। जात्रा जो है वो यहाँ का फेमस फोक डांस है, ये आपको याद रखना है, कई बार पेपर के अंदर आ चुका है। जात्रा कहाँ का डांस है? ये पश्चिम बंगाल का डांस है। एसएससी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं और सीएचएसएल के पेपर भी आने वाले हैं हमारे। हर पेपर के अंदर ये जीके बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर इतनी भी कवर कर लोगे तो आपको पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत कम पूछी जाती है, तो पहले नेशनल पार्क आपको याद करनी है, ठीक है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना, यहां से हालिद्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हालिद्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है? तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। जात्रा बहुत बार पूछा गया है, ये आपने छोड़ना नहीं है, ओके। उसके बाद है डैम, यहाँ पे कौन सा डैम है? तो यहाँ पे फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी पर है, और जो फरक्का बैराज है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है टेंपल, यहाँ पे कौन सा टेंपल है? काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है यहाँ पे, और बेलूर मठ, दो टेंपल है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सबरीमाला मंदिर कहाँ था? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ था? केरल के अंदर था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट जो कि इलेक्ट्रिक सिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे जो न्यूक्लियर यानी एटॉमिक और न्यूक्लियर एक ही बात होती है, हरिपुर एटॉमिक पावर प्लांट ये जो बनाया गया है ये रूस की मदद से बनाया गया है, और ये कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन है, ये न्यूक्लियर नहीं है, और फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी एक ही न्यूक्लियर है ये। कौन सा है? हरिपुर एटॉमिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट किसकी मदद से बनाया हमने? रूस की मदद से बनाया। दूसरा दुर्गापुर और फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो पश्चिम बंगाल की सारी डिटेल मैंने आपको यहां पे बता दी। बोर होके आपने कुछ भी नहीं करना है, इंटरेस्ट लेके करिए, चीज़ें अपने आप याद होनी शुरू हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितनी जीके मैं करा रही हूँ उतनी जीके आप लोग नोट्स बनाइए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल, सीएम, गवर्नर, हर स्टेट का, टोटल 4 स्टेट हो गए, सबकी कैपिटल, सबके सीएम, सबके गवर्नर हमें याद होना चाहिए, सबके डांस हमें याद होने चाहिए, सबके नेशनल पार्क, डैम, टेम्पल और न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसके बाद हमें वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करनी है, ओके। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, क्योंकि बच्चों का रिस्पांस कम आ रहा है, अगर आप चाहते हो ये कंटिन्यू रखी जाए तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना, तो ही ये सीरीज आगे कंटिन्यू की जाएगी, ओके। थैंक यू।